हम सब ने एक मेमोरेंडम दिया था 19 को, चीफ सेक्रेटरी को, डिपकॉम को और डीसी को। तो उसके ऊपर ही जे लोग सरपंच पंचस जो मेरे पास आए हैं, और भी आम लोग, मुझे सभी पंचायतों से फ़ोन आ रहे हैं कि जो आपने मेमोरेंडम दिया था उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। तो मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहती हूँ कि जो डिपकॉम को हमने मेमोरेंडम भेजा था, तो उसके ऊपर डिपकॉम ने डीसी साहब को एसडीएम के ऊपर इंक्वायरी के लिए बोल दिया है। तो और डीसी साहब से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी हमें विश्वास दिया है कि 1-2 दिन में आकर वो इनके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी, और हमें उम्मीद है कि जो डीसी साहब इंक्वायरी करेंगे वो ठीक ही करेंगे। अगर इनके मुताबिक या हमारे मुताबिक जो हमारे इशू हैं उसके मुताबिक वो इंक्वायरी नहीं होती है, तो हमारी एक कमेटी है, पंच सरपंच सारे उसमें हैं, तो वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम जो भी होगा वो नेक्स्ट स्टेप उठाने की कोशिश करेंगे। ये मेमोरेंडम क्या था, थोड़ा सा डिटेल्स में बताएं। जे मेमोरेंडम ये था कि सबसे पहले तो जो हम डीडीसी वीडीसी सरपंचस हैं कि हमारा प्रोटोकॉल नहीं देखा जाता था, हम जितने भी इलेक्टर रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कट ऑफ किया जाता था, चाहे हम कहीं इनॉगरेशन हो या कहीं भी हम किसी भी फील्ड में जाते थे, तो हमें नहीं तो वहाँ पे कोई बैठने के लिए चेयर मिलती थी, नहीं तो वो हमें वो बोलते थे कि हाँ ये इलेक्टर रिप्रेजेंटेटिव इनका भी कोई रोल होगा, चाहे हमने पंचायतों में काम करवाने हो, अपनी पंचायत कोई भी किसी किस्म का भी आप काम ले लो, तो वो हमें वहाँ पे इनवाइट नहीं किया जाता था। तो हम डिपार्टमेंट से भी बात करते थे, वो बोल रहे थे कि हमें एसडीएम का प्रेशर है, तो हमें ये बोलते तब हम इनसे रिबन कटवाते हैं, ये सब कुछ वो उनसे सुनने के लिए मिल रहा था। तो इसके ऊपर हमने ये इशू लिया, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, वो हम उसके बाद बताएंगे, अगर जो हम इंक्वायरी होगी उसके ऊपर हम सेटिस्फाई नहीं हो गए, तो अगर नहीं होती तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। आपकी तरफ से लिखी गई कंप्लेन में 7 स्टेप, जिनमें से चौथे स्टेप को अगर गौर से देखा जाए तो उसमें आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन सामने सामने दिख रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इनडायरेक्टली उसमें ये बात नहीं कही गई है, लेकिन ये कहा गया है कि कुछ लोगों के जो बनाई गई दुकानें या कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिमोलिश किया गया है, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो ज़मीन दी जा रही है वहाँ मकान बनाने के लिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सामने सामने एक केएस ऑफिसर पर आपने इल्ज़ाम लगाया है कि वो इनडायरेक्टली, आपका इल्ज़ाम ये है कि वो आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन कर रहे हैं, जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स में आता है। इसका केस किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी छोटे कोर्ट में नहीं लड़ा जाता, इसका केस डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में रहता है, लोगों के बुनियादी हकूक को लेकर। तो ये जो आपने संगीन इल्ज़ाम लगाया, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? जी, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि आप जब भी इंक्वायरी टीम आएगी वो खुद आकर देख लेगी कि क्या हो रहा है बनी के अंदर, क्या नहीं हो रहा है, कौन से लोग हैं जिनको बनाने के लिए हक दिया जा रहा है और कौन से लोग हैं जिनको नहीं बनाए बनाने दी जा रही है। तो वो जैसे ही इंक्वायरी टीम आएगी तो वो खुद चेकअप कर लेगी और देख लेगी। कुछ लोग मैडम सामने भी आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि एसडीएम के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, इसको किस तरह देखते हैं? मैं तो इसमें सीधा ये बोलना चाहती हूँ कि शायद एसडीएम साहब उन लोगों के साथ मिले हुए, क्योंकि मैं एक डीडीसी हूँ, बीडीसी सरपंच से मेरे साथ हैं, तो आम जनता हमारे साथ है, वो 1-2 लोग कैसे बोल सकते हैं। तो इसमें तो साफ साफ यही दिखने के लिए मिल रहा है कि एसडीएम खुद उनको जहाँ अपने ऑफिस में बुला रहे हैं तो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, तभी वो लोग बोल रहे हैं। किस तरह की इंक्वायरी जो है वो चाहती हो? जो हमने लिखा है मेमोरेंडम के ऊपर उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। करप्शन को लेकर आप पर इल्ज़ाम हैं, चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो उन पर इल्ज़ाम, पिछले कल जो एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा गया है सरपंचस, बीडीसी और डीडीसी को करप्शन जो है वो ये एसडीएम सर नहीं करने दे रहे, जिसकी वजह से ये जो है वो एसडीएम की ट्रांसफ़र चाहते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक, आप ये बोल रहे हो कि उसने बोला कि डीडीसी वीडीसी और सरपंच को करप्शन नहीं मिल रही है, तो हम जो भी इंक्वायरी टीम आते हैं हम उनको भी ये बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे अकाउंट या हमारा जो भी जहाँ भी आपको मिलता है सबसे पहले हमारे ऊपर इंक्वायरी की जाए, हम लोगों ने कितनी करप्शन की है और किससे की है,